जा रहे हो पीछे की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। करना करा लो फोटो। माता की जय, भारत माता की जय, भारत विमूर्ति शहीद अमर रहे, अमर रहे, विमूर्ति शहीद अमर रहे, अमर रहे, विमूर्ति शहीद। करूंगा कि जहां जितने लोग आए हुए हैं कृपया भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। जनरल सुनीता कपूर जी वो आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ आए हुई हैं और डॉक्टर तरन सिंह जी ने इनको इनवाइट किया है, शहीद आजम भगत सिंह जी ने फाउंडेशन ने, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप श्रद्धांजलि दें भगत सिंह जी को। आज मैं यहाँ त्रिमूर्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हूँ। यह हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे जम्मू के लोग एकत्रित होकर ये सोच रहे हैं कि जो हमारे लोगों ने अपनी जवानी में इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी यूथ हैं सब मिलजुल के ऐसे मौक़ों को ज़रूर श्रद्धांजलि दें ताकि उनको सबको ये मिले, सबको ये प्रेरणा मिले कि हम अपने देश के लिए आगे बढ़ के अपने देश की रक्षा के लिए सब मिलजुल के आगे बढ़ें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। राजगुरु सुखदेव का आज 92वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीद भगत सिंह चौक में शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और जीवल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन मिलकर यहाँ पर यह दिन मनाते हैं हर साल, और आज के इस मौके पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप भी यहां लगाया जाता है। आज का दिन जो है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे शहीदों ने जो हमें कुर्बानियां देकर आज़ादी दिलवाई उसकी रक्षा के लिए आज के युवाओं को हमें तैयार करना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर से और देश के बाहर से जो दुश्मन हैं वो हमारी इस कुर्बानियों के साथ मिली हुई आज़ादी को खतरे में डालने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें चाहिए कि देश के अंदर हम अपने युवाओं को नशे की बीमारियों से दूर रखें। जो हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो स्मगलिंग करके हमारे देश में नशे का जो कारोबार करते हैं और उसके साथ उसी नशे की दवाइयों के कारोबार से जो उनको पैसा मिलता है उससे वो हमारे देश में मिलिटेंसी को बढ़वाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने युवाओं को इन नशे की आदत से दूर रखें और उनको इस तरीके से तैयार रखें फिज़िकली और मेंटली कि हमारे देश में बाहर से आने वाली अगर कोई मुसीबत है, कोई दुश्मन आने वाला है तो उसका मुकाबला कर सकें। हमें चाहिए कि हम अपने शहीदों के द्वारा दिखाए हुए रास्तों पर चलें। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति जो है वो विचारों की शान पर तेज की जा सकती है, ना कि तलवार के साथ क्रांति नहीं ला सकती है। मेरे उन दोस्तों को जो ये शहीद आजम भगत सिंह को की क्रांति को हिंसावादी कहने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को पढ़ें और समझें कि उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया था। हमारे देश को अब अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।